राजधानी जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं। पुलिस के कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव मिलने की यहां पर सूचना मिल रही है। माणक चौक थाने का सिपाही बताया जा रहा है कोरोना का पॉजिटिव। रामगंज इलाके में डोर टू डोर सर्वे की टीम में भी एक कांस्टेबल शामिल रहे। इस मामले के बाद अब पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा तेज हो गई है। कोरोना को लेकर कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में 24 घंटे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी को सुरक्षा के लिए बॉडी सूट यहां पर नहीं दिया गया। बड़ी बात, जयपुर कमिश्नरेट के 11 थाना क्षेत्रों में फिलहाल महाकर्फ्यू है। तमाम थानों में सैनिटाइजर देने के नाम पर की जा रही है खानापूर्ति। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो करीब 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात यहां पर पूरे राजधानी जयपुर के प्रशासन को संभालने के लिए किया गया है। और इसी बीच खबर आ रही है कि एक पुलिस का कांस्टेबल कोरोना का पॉजिटिव और संदिग्ध यहां पाया गया है। इसके बाद में पुलिस प्रशासन के अंदर जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उनमें भी संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ चुका है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, बड़ी खबर ये मिल रही है, कांस्टेबल में अगर संक्रमण होगा तो जाहिर सी बात है कि जो उसके साथी कर्मचारी है उनमें भी फैलने का अंदेशा ज्यादा रहेगा। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल ज्योति, जैसे आपने कहा कि जैसे ही अगर एक सिपाही के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके बाद निश्चित तौर पर जो उसके संपर्क में आए करीब जो लोग हैं, उसके जो साथीगण हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जो आशंका है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। और यही सामने आई है, सूत्रों से भी हमें जानकारी यहाँ पर मिली है कि जो ये जो सिपाही था जो माणक चौक थाने में जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग चल रही थी रामगंज थाना इलाके के अंदर, रामगंज बाजार के अंदर, उस स्क्रीनिंग टीम में ये शामिल था, मेडिकल टीम के साथ संपर्क में था। और उसी के दौरान यहाँ पर डोर टू डोर जब स्क्रीनिंग की जा रही थी तो अचानक से कोरोना पॉजिटिव हो गया है। और उसकी जो रिपोर्ट आई है वो कल देर रात जो 9 बजे की जो रिपोर्ट आई थी यहाँ पर ACS जो हेल्थ है उन्होंने जारी की थी, उसमें कहीं ना कहीं ये सब पॉजिटिव पाया गया है जिसका खुलासा आज सुबह हुआ है। लेकिन इसके बाद सबसे ज्यादा जो आशंका बढ़ गई है वो है इसके साथियों में फैलने की। और यही चीज हुआ है, यहाँ पर 40 से ज्यादा जो सिपाही है, ये जो सिपाही है जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है ये 40 पुलिसकर्मियों के संपर्क में आया है, जिसमें से करीब 1 दर्जन को यहाँ पर SMS के अंदर आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। और साथ में जो लोग इसके संपर्क में आए उनको भी यहाँ पर क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर सामने है कि पहली बार राजस्थान के अंदर या जयपुर शहर के अंदर कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर संक्रमित पाया गया जो 24 घंटे यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और ड्यूटी का कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमित पाया जाना यहाँ पर पुलिस के लिए बहुत ही बड़े चिंता की बात है। अहम बात ये भी है यहाँ पर जैती, चूंकि जो बचाव के संसाधन जो मुहैया कराने की जो बात कही जा रही थी यहाँ पर पुलिस को, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है और नतीजा यह है कि एक कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर पुलिसकर्मी पाया गया। मगर अहम बात यह भी है कि यहाँ पर जो बॉडी सूट देने की जो बात कही थी, अगर एहतियात पहले से नहीं बरतते तो कहीं ना कहीं ये चीज संक्रमित नहीं होते पुलिसकर्मी, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी लगातार कर्फ्यू क्षेत्र के अंदर लगाई गई। राजस्थान की बात करें तो 42 क्षेत्रों के अंदर कर्फ्यू लगाया गया, जयपुर के अंदर 11 थाना क्षेत्रों के अंदर ही कर्फ्यू लगाया गया। तो वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस की जो ड्यूटी है लगातार है, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका बढ़ जाती है। तो ऐसे में पुलिस महकमे की ओर से उनको क्यों ये बॉडी सूट है जो PPE किट कही जाती है, जो मेडिकल विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाए, पुलिस महकमे को जिम्मेदार ठहराया जाए कि उनको क्यों मुहैया नहीं कराया गया। अगर समय से पहले अगर ये उनको मुहैया कराते तो कहीं ना कहीं संक्रमण उनके अंदर नहीं फैलता, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है इसके लिए। तो ऐसे में जरूरी है यहाँ पर सैनिटाइजर, मास्क और जो बॉडी सूट है जिसको PPE किट कहते हैं वो मुहैया कराया जाए। तो कहीं ना कहीं उसमें पुलिस महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिल्कुल जाती यादवेंद्र, जाहिर सी बात है कि चूक तो यहाँ पर किसी ना किसी की रही है, जिसके चलते कांस्टेबल अब पॉजिटिव पाए गए। बॉडी सूट बताया जा रहा है कि उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाया गया, सैनिटाइजर देकर सिर्फ खानापूर्ति की गई। लेकिन इसके बाद में अब जिस प्रकार से अन्य लोगों को उनके साथ जो कार्य करते हैं, क्या उनको स्क्रीनिंग के लिए चिन्हित कर लिया गया है और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है इस मामले को लेकर? देखिए, 40 जनों को फिलहाल यहाँ पर संपर्क में जो आए थे इस पुलिस के, जो उन 40 जनों को यहाँ पर आइसोलेशन करने के लिए कहा गया है कि इनको आइसोलेट किया जाएगा, क्वारंटाइन में रखा जाएगा, मगर 1 दर्जन है जिसका मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है। तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि क्योंकि वो जो सिपाही था वो आज सुबह तक भी यहाँ पर ड्यूटी करने आया था, तो ऐसे में उसने क्यों जानकारी नहीं दी अपने हेल्थ विभाग की टीम को, ये बड़े सोचने की बात है। मगर यहाँ पर पुलिस को अब बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना होता, क्योंकि चूंकि जो पुलिस है वो बिना हथियारों के यहाँ पर योद्धा के रूप में जो राजधानी जयपुर शहर की यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं और यहाँ पर आम जन की सुरक्षा को लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस चाहती है कि लोग है जो घरों के अंदर हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सवाल है खुद पुलिसकर्मियों पे उठने लगा है, पुलिस महकमे पे उठने लगा है कि जब पुलिसकर्मी खुद ही संक्रमित होने लगेंगे तो जयपुर की जो सुरक्षा का जो जिम्मा है वो कौन संभालेगा। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पर जैसी
खुद पुलिस को यहाँ पर प्रोटेक्शन युक्त रहा जाए, खुद पुलिस को ऐसे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर किट्स दे दी जाए, सैनिटाइजर है, मास्क उपलब्ध कराई जाए। हमारे उच्च अधिकारियों से भी इस पूरे मामले में बात हुई थी, जब यहाँ पर ये बात सामने आई थी कि जो इनको 1 अप्रैल को पूरा बजट दे दिया गया था और तमाम जिलों को ये कह दिया गया था कि आप कोरोना वायरस का जो संक्रमण है इसके लिए आप अपने जरूरी संसाधन जुटा लें बचाव के लिए, मगर यहाँ पर लापरवाही कहीं ना कहीं जो जिलों के तमाम SP कहे या थाना अधिकारियों को कहे उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही उन्होंने दिखाई, उसके चलते यहाँ पर ही सामने आई ये बात है। मगर अब यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाना होगा, जो बॉडी किट है, मेडिकल की जो टीमें लग रही है, लगातार सर्वे कर रही है, स्क्रीनिंग कर रही है, उसके साथ जो पुलिसकर्मी जा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एहतियात के लिए जो PPE किट है, मास्क है, सैनिटाइजर है, वो पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में उनको मुहैया कराने होंगे। बिल्कुल जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया यादवेंद्र। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर से आपको खबर फिलहाल हम दे रहे हैं, एक पुलिसकर्मी राजधानी जयपुर के पुलिस कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव होने की यहां पर खबर मिल रही है। इसके बाद में जो अन्य उसके साथी हैं उनमें भी कोरोना पॉजिटिव संक्रमण का अंदेशा यहां पर बढ़ गया है। चूंकि पुलिस प्रशासन ने अभी पूरी बागडोर संभाल रखी है, स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए जयपुर के जितने भी थाना क्षेत्रों में फिलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पर पूरी जिम्मेदारी के साथ डटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच में ये खबर चिंतनीय अवश्य है, क्योंकि अगर कांस्टेबल यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो जाहिर सी बात है उनके साथियों में भी संक्रमण का अंदेशा अब बढ़ गया है, सुरक्षा की यहां पर अब ज्यादा दरकार है।